महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से राज्य भर में बीते 1 दिसंबर से जारी स्वच्छता अभियान का मंगलवार को समापन हुआ। मालूम हो कि एसटी महामंडल द्वारा राज्य भर में सुरक्षा सप्ताह, मराठी भाषा दिन, स्वच्छता अभियान आदि विभिन्न उपक्रमों का आयोजन कर जन जागृति की जाती है, जबकि इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य भर के हर डेपो और बस स्थानों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कड़ी में यवतमाल जिले के दिग्रस बस डेपो में बसों की धुलाई से लेकर डेपो परिसर में उगाए घास फूस और पौधों की कटाई कर परिसर को साफ किया गया। इसके लिए सफाई कटाई कामगारों को काम देकर स्वच्छता अभियान के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया गया। सूत्रों ने बताया कि इस साल कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एसटी महामंडल ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से बगैर कर्मचारियों की भीड़ जुटाए सादगी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने की सूचना जारी की थी। यही वजह है कि इस साल आयोजित यह कार्यक्रम बेहद सादे तरीके से मनाया गया। NVCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।